हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। इसका नाम है स्पाइडर प्लांट और इसको क्लोरोफाइटम भी कहते हैं। इसमें आज ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र अच्छा रहता है जिससे कि ये अच्छे से चलता है, और इसके कई रनर्स भी होते हैं। इन रनर्स के साथ ही ये इस तरह के ये रनर्स होते हैं, इन रनर्स के साथ ही ये रिपोटिंग होती है। सबसे पहले इस तरह से ये फ्लावर्स निकलते हैं। फ्लावर्स जब झड़ जाते हैं तो ये जो जड़ें हैं इनकी, ये जो जड़ें हैं ये मोटी हो जाती हैं। एक मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम कट करके रिपॉट कर सकते हैं। मैंने कई पौधे अपने घर पर इस तरीके से बनाए हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये नोड्स होते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये नोड्स होते हैं। नोड्स के द्वारा भी इसको हम रिपॉट कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट का, अच्छे स्पाइडर प्लांट की ये निशानी है। ये देखिए, इसकी एक ये लाइन होती है और इसके पत्ते भी मुलायम और नाजुक होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्रोपिगेशन नोड्स को निकाल कर भी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये प्रोपिगेशन नोड्स होती हैं, इनको निकाल कर भी नया पौधा बनाया जा सकता है। फ्लावर्स, जो ये फ्लावर्स आए हैं ये देखिए, अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं। ये जो फ्लावर्स आए हैं, इन फ्लावर्स के साथ भी ये फ्लावर्स जब निकलते हैं तो इनके साथ ही ये रनर्स बनते हैं। ये देखिए, ये साथ साथ रनर्स बन रहे हैं। गहरे पॉट से रनर्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैंने काफ़ी बड़े बड़े ये दो पॉट्स लिए हैं, आप ये देखें, और जिससे कि ये फ्लो में नीचे आते हैं। और गहरे 8 से 10 इंच तक का गमला अगर आपने यूज़ करना है तो इसको यूज़ करें। बहुत छोटा गमला होगा तो उसमें ये इस तरह के ये जो हैं रनर्स, ये नहीं बन पाएंगे। बहुत ठंड में भी इन प्लांट्स के मरने का खतरा रहता है, और बहुत गर्मी को भी ये नहीं सह पाते हैं, ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनको धूप से भी बचाना होता है और इनको ठंड से भी बचाना होता है। मॉइस्चर इनको बहुत पसंद होता है। आप ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ गुलाब की पौधे की बातें शेयर की थी। ये देखिए कितने मिनिएचर ये भरा हुआ है। ये देखिए, ये मिनिएचर गुलाब का पौधा फूलों से भरा हुआ है। साथ में ये देखिए, ये कैलेंडुला के पौधे हैं, ये फूल आ गए हैं, खूब खिल रहे हैं। इस तरफ सनानेरिया के पौधे हैं, ये देखिए कितने सुंदर हैं, इनके रंग कितने सुंदर हैं। दोबारा मैं स्पाइडर प्लांट पर आती हूँ, स्पाइडर प्लांट की इंफॉर्मेशन पर। ये भी देखना चाहिए, जब भी आप नर्सरी में जाएं तो कई बार नर्सरी वाले आपको पेंडानस का पौधा देते हैं जो स्पाइडर प्लांट की तरह ही लगता है, तो उसको नहीं लेना है। आप उसकी लीव को देखेंगे, इसकी लीव बहुत मोटी होती है पेंडानस की, लेकिन स्पाइडर प्लांट की लीव जो है ये बहुत ही पतली होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिपॉटिंग इन पौधों को बार बार नहीं करना है, क्योंकि रिपॉटिंग इन पौधों को पसंद ही नहीं होता है। जब तक कि इनके रनर प्रॉपर डेवलप ना हो जाएं, तब तक इनकी रिपॉटिंग नहीं करनी है। नोड्स भी प्रॉपर डेवलप होने के बाद ही इनकी रिपॉटिंग करनी है। ये देखिए, ये एक छोटा रनर है, ये वाला, अभी इसकी रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं। जबकि ये देखिए, ये वाला जो है, ये बड़ा रनर है, इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। इसको आप, ऐसे बड़े रनर को आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये नासा रिकमेंडेड है कि ये ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है स्पाइडर प्लांट,
और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी ये आपको देता है, और ये इंडोर प्लांट भी है। इंडोर प्लांट की तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कई लोग तो इसको मेन दरवाजे पर रखते हैं, ये परफेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन का। और ये एक परमानेंट प्लांट है, गर्मी सर्दी ये सारे ये प्लांट चलता है। फर्टिलाइज़र के लिए अब ये आपको मैं बताऊं कि फर्टिलाइज़र में इसमें साल में एक या दो बार मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर डाल सकते हैं, और ये बहुत ही फ्रेंडली पौधा होता है। और ये थोड़ी सी खाद को ही इसे हैप्पी फीलिंग आती है। और लिक्विड खाद अगर आप डालना चाहते हैं, स्प्रे करना चाहते हैं, तो एक सी वीड होता है जिसको पानी में मिलाकर एक ढक्कन एक लीटर में मिलाकर और उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इनको ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, और ये वैसे ही बहुत खुश रहते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारा ये स्पाइडर एक मेरा कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ बुद्धा जी की मूर्ति है, और ये सारे प्लांट्स मैंने यहाँ बनाकर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे प्लांट्स इस तरह से मैंने बनाकर रखे हुए हैं। ये 10 प्लांट्स हैं यहाँ पर जो मैंने बना के रखे हैं। ये देखिए, ये भी मैंने ये स्पाइडर प्लांट ये रिपोर्ट किया था। ऐसे ही एक ये है स्पाइडर प्लांट, एक यहाँ पर है स्पाइडर प्लांट। तो ये कॉर्नर मेरा जो है, ये स्पाइडर कॉर्नर है, स्पाइडर प्लांट का कॉर्नर है, और ये फुल ऑफ ऑक्सीजन है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं। तो ये आउटडोर प्लांट भी है और इंडोर प्लांट भी है। जब आप इसको इंडोर रखेंगे, तो जब आप इसको इंडोर रखते हुए बाहर एक दिन निकाल कर उस पर पानी का छिड़काव कर उसको धोकर इसको दोबारा से पोंच कर इंडोर रख सकते हैं। तो ये पौधा बहुत ही फ्रेंडली होता है, और क्योंकि ये हैप्पी गोइंग पौधा है, तो ये कभी भी ये गलता भी नहीं है। ये देखिए, ये बास्केट है, इसमें भी ये मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है, लेकिन अभी इसके बेबी प्लांट्स आए नहीं हैं, इसके रनर नहीं बने हैं। ये मैंने ये 3 महीने पहले ये रिपोर्ट किया था। ऐसे ही यहाँ पर भी ये बास्केट मैंने ये वाली बनाई है स्पाइडर की, ये भी मैंने 3 महीने पहले ही रिपोर्ट किया था, लेकिन अभी इनके रनर नहीं बने हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये मेरा स्पाइडर प्लांट का कॉर्नर है, जिस पे कि मैंने छोटे छोटे गमले बनाकर स्पाइडर प्लांट के छोटे छोटे मैंने प्लांट्स लगाए हैं, और इनकी सज्जा ऐसी करी है कि ये गौतम बुद्धा के साथ ये सारे प्लांट एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।